कुसुम। ये हो क्या रहा है? पहले पापा पर अटैक, फिर लाली चाचू की गिरफ्तारी और अब दादाजी। कली बेटा जरा इधर आना। चाची ये सब क्या हो रहा है? अरुंधति के रहते और क्या हो सकता है? ये सब कुसुम कर रही है। हाँ बेटा, वो चाहती है कि इस घर में फूट पड़े। किस बात पे अरुंधति चाची ने बंटवारे की सोच ली? कुमुद, पता नहीं किसने रिसोर्ट में ड्रग्स प्लांट करवाए। इसका मतलब कुसुम ने लाली चाची को फंसाया? हाँ बेटा, और कुसुम की वजह से ही भाभी ने सबके सामने मेरी बेइज्जती की। कुसुम अभय को पागल करना चाहती है। कुसुम पापा को पागल कर देना चाहती है? हाँ बेटा, ये सब उसी की चाल है, लेकिन मेरी बात तो कोई मानने को तैयार ही नहीं है। तुम तो जानती हो ना, कुसुम ने सब पे जादू जो कर रखा है। अरुंधति कुसुम को बदनाम करना चाहती है ताकि वो सही। चाची, अरुंधति चाची नहीं कर पा रही है। इसके पीछे किसी और का हाथ है। वापस आते ही खेल खेलना शुरू कर दिया ना आपने। चाहती क्या है? क्यों इस घर की शांति को रहने नहीं देती है? आपके किए की सजा मिल गई है ना, फिर भी बास नहीं होती है। तुम हद से बाहर जा रही हो कुमार, बेवजह मुझ पे इल्जाम लगा रही। वजह तो है, सबूत नहीं है। तो जाओ, जाके लेकर आओ मेरे खिलाफ सबूत। जिस दिन सबूत मिल गया ना माई आंटी, आप इस घर में नहीं इस घर के बाहर होंगी। होती कौन है मेरी मॉम को इस घर से बाहर निकलवाने वाली? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम पर इल्जाम लगाने की? क्योंकि तुम्हारे माँ के किए की सजा मेरी माँ को मिलती है। जो जैसा करता है उसे वैसा सुनना पड़ता है। मेरी माँ ने तुम्हारे लिए क्या किया है, इस घर के लिए क्या किया, तुम्हारी माँ के लिए क्या किया है, तो सब लोग जानते हैं। शट अप, मेरी मॉम के खिलाफ एक और शब्द भी कहा तो? तुम्हारी माँ की तारीफ में तो जितने शब्द बोलो कम है। ये औरत अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। इसी दिन के लिए क्या मेरी माँ ने आपको इस घर में जगह दी थी? मेरी मॉम तो यहाँ पहले से रहती है। तुम और तुम्हारी मॉम न जाने कहाँ से आ गई। चुप करो तुम दोनों। बड़े तो बड़े, अब तुम दोनों भी शर्म नहीं आती? और भाई तुम यहाँ खड़ी रहकर क्या कर रही? कभी सूत्रों की दे दो। तुम दोनों चाहती हो ना दादाजी ठीक हो जाए, तो इस तरह ठीक होगी। समझ में नहीं आता सबको क्या हो गया। आपने बहुत अच्छा किया जो आप इन्हें यहाँ छत पर लेकर आए, क्योंकि ये जितना यहाँ खुली हवा में घूमेंगे उतना उनके सेहत के लिए अच्छा है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि ये मेडिसिन्स का इतना रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए बेवकूफ क्योंकि कभी कभी ज्यादा अमृत भी जहर बन जाता है। इनकी फिजिकल कंडीशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ साइड इफेक्ट है ब्रेन में। आप एक काम करिए, कल उन्हें हॉस्पिटल लेकर आ जाइए, इनका ब्रेन सीटी स्कैन करता हूँ। ये वाली मेडिसिन जो है बंद कर दीजिए, इसके बदले में आप ये दवाई दीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर। दादी, पापा और मामा कहाँ हैं? वो तो टेरेस पे है, मैंने देखा था कुसुम अभय को टेरेस पे लेकर जा रही थी। टेरेस पे? लेकिन अच्छा ठीक है, मैं जाके देखती हूँ। खैर मैं भी आती हूँ। तो डॉक्टर ने कहा कि ये दवाई बंद कर दो, उसके बदले ये दे दो, इनसे आप ठीक हो जाएंगे। ठीक तो तुम तब होगे ना जब ये दवाइयां तुम्हें मिलेंगी। ठीक तो तुम इन दवाइयों से होने वाले। वैसे सच कहूं मुझे डॉक्टर बिल्कुल पागल लगते हैं। पहले कहता है दवाइयां खरीदो, फिर कहता है इन्हें मत दो। अरे पैसे पेड़ पे थोड़े उगते हैं।
मेरे बेचारे अभय ने इतनी मेहनत करके पैसे कमाए, मैं इन्हें ऐसे गवा थोड़ी दूंगी। इसलिए दवाई तो तुम्हें दूंगी अभय, लेकिन बिल्कुल स्पेशल वाली। बिजली कड़की मतलब बारिश आने वाली है। अभय तुम्हें बारिश कितनी अच्छी लगती है ना। आओ गुड बॉय, गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। पहले की कोई आ जाए। ओ दर्द हुआ। गुड बॉय। लेकिन क्या है ना अभय, मुझे बारिश बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। क्या हुआ अभय, तुम्हें तो पसीने आ रहे, गर्मी लग रही है। जोन भाई, अभी जब बारिश आएगी ना तो तुम्हें बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी। बाय। रात है बेजुबान, कुसुम अपना कुछ होश है। तुमसे कहे कैसे, चुप भी रहे कैसे, समझो ना दिल की सनम। हो जी, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब ठीक हो गया है। तुम लोगों ने सब कुछ ठीक ही कर दिया। अभय की ये हालत भी तुम लोगों की वजह से हुई है। देख लिया कभी वफा दिखाने और केयर करने का नतीजा। डॉक्टर साहब कैसा है अभय? हाँ? उनकी हालत बहुत नाजुक है, शायद किसी गलत दवाई की वजह से ही ऐसा हुआ है। लेकिन मैंने कुसुम जी से पहले ही कहा था कि ये दवाई बंद कर दें, फिर भी उन्होंने। लेकिन अब क्या? अगले 7 से 8 घंटे उनके लिए बहुत क्रूशियल रहेंगे, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। सुन लिया था तुम? मैंने पहले ही कहा था अभय को गलत दवाइयां दी जा रही है। क्या हुआ है अभय को? क्यों कहते तुम? अभय को ऐसे बारिश में अकेला छोड़कर कहाँ चली गई थी तुम? और हाँ, अभय की ये हालत तुमने की। डॉक्टर ने मना किया था ना दवाई देने, फिर भी उसकी दवाई क्यों चालू रखी? वैसे कुसुम, अभय को दवाइयां तो तुम ही दे रही थी है ना? मैं क्या करती मम्मी जी, जो दवाइयाँ डॉक्टर साहब ने कही थी मैं वही लेने तो नीचे गई थी। और डॉक्टर साहब ने ही कहा था कि अभय को ठंडी हवा की जरूरत है, इसलिए मैं उन्हें छत पर लेकर गई थी। पर मुझे क्या पता था कि उतने में ही बारिश आ जाएगी। मैं भला अभय की जान ले सकती हूँ क्या मम्मी? क्या आपको लगता है मैं ऐसा कर सकती हूँ? क्या आपको लगता है कि आपकी कुसुम ऐसा कर सकती है?
क्या जरूरत है अभी को ओवरडोज देने की? अगर उसे कुछ हो जाता तो हम फंस जाते, तुम्हें पता? Just chill, chill. तुम हर बात पे इतना हाइपर क्यों होती रहती? हाँ घर में वो बुढ़िया पकाती रहती है, यहाँ पर तुम आके किट 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 किट. और वैसे स्वाति गौतम को इस तरह की बकवास सुनने की आदत नहीं है. स्वाति गौतम नहीं, कुसुम हो तुम. जो कुछ भी है ना वो ये थोबड़ा है जो कुसुम का है. हिज्जत तो तुम 1 करोड़ रुपए दे रहे हो. अब जो कुछ भी मैं कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनो. हमारे पास सिर्फ 7 घंटे हैं जब तक अभय ICU में है. उसके बाद क्या होगा ये नहीं मालूम. इसे जितनी जल्दी हो सके जा और सारे पैसे और गहने जाके बटोर लो, अपना हिस्सा ले लो और यहाँ से चली जाओ, क्योंकि ये तुम्हारा आखिरी असाइनमेंट है. तो मैं तो जितनी जल्दी होता है अपना काम करने वाली हूँ. एक्सक्यूज मी, ध्यान रहे वहां जाने से पहले अपना ये जो हुलिया है ना वो जरा बदल के जाना. ठीक है माही जी, जैसा आप कहती हैं मैं वैसा ही करूंगी. बाय. मूव. भाभी उस वक्त आपने मेरी बात पे यकीन नहीं किया था, लेकिन अब तो मेरी बात पे यकीन कर लीजिए. कुसुम बदल गई है भाभी. जरा सोचिए, क्या कुसुम कभी अभय को अकेला छोड़ के जा सकती है? भाभी आप मेरी बात मानती क्यों नहीं है? कुसुम हमारे घर को तोड़ना चाहती है और अभय को जान से मार कर. भाभी घर पर तो माही भी है, वो कुसुम को बदनाम करने के लिए कुछ भी कर सकती है. बट ऑफ निकिता तो कुसुम का ही साथ देगी. कुसुम ऐसा क्यों करेगी? हाँ माही. लेकिन भाभी माही को इस घर में कौन लाया? कुसुम है ना? डॉक्टर साहब अब आप कैसा है? सी, जब तक सारे रिपोर्ट्स नहीं आते तब तक कुछ भी कहना इम्पॉसिबल है. वैसे अभी की केस हिस्ट्री कहाँ है? वो रेड फाइल कुसुम ने अपने कबर्ड में रखी थी. मैं किसी को बोलती हूँ कि ले आए. दादी मैं जाके ले आती हूँ. माँ का कमरा तो घर में सबसे ज्यादा साफ रहता था. राज अलमारी में क्या कर रहे हैं? स्वाति गौतम. हेलो मामा. बोल कुमार. मुझे आपसे कुछ बात करनी है. हाँ तो बोलो. मिलके बात करनी है मामा. तो एक काम कर, ऑफिस आ जा. ठीक. मंगल. जी मैडम. तुम हॉस्पिटल जाके ये फाइल दादी को दे दो. जी. मामा पापा को इस तरह बारिश में अकेले कैसे छोड़ दिया? बेटा मैं वो दवाइयाँ लेने नीचे गई थी, उतनी देर में बारिश शुरू हो गई तो. मान लिया कि आप दवाई लेने आई थी, तो फिर आप ऑफिस क्यों आ गए? वहाँ पापा हॉस्पिटल में और आप यहाँ ऑफिस में क्या कर रहे हैं? बेटा ये काम भी तो पापा का है ना, और हॉस्पिटल में मम्मी जी और चाची तो हैं. यकीन नहीं हो रहा कि आप बोल रही हैं. पापा से ज्यादा आपको कभी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था, और आज ये ऑफिस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आपको. मेरी माँ नहीं हो सकती, नहीं हो सकती. मैं तुझे कैसे समझा? इस घर में सबको लगता है कि मैं अभय की जान लेने की कोशिश कर रही हूँ. क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? क्या मैं अभय की जान ले सकती हूँ?
अभय के लिए तो मैं हजारों मौत मरने के लिए तैयार हूँ, और मैं उसकी जान, इसीलिए ये सारी बातें सुन सुनकर घर में मेरा दम घुट रहा था। हॉस्पिटल जाती तो वहां भी घर के सारे सदस्य होते, इसलिए सोचा ऑफिस आ जाऊंगी तो शायद थोड़ा अच्छा फील करूंगी। वाह भाई स्वाति वाह, कमाल की एक्टर हो तुम। मैडम ये वो कैश और ज्वेलरी जो आपने मंगाई, लेकिन मैडम इतना कैश आप ये पीछे की टेबल पे रख दीजिए। ओके। इस कमबख्त मैनेजर को भी अभी आना था। स्वाति गौतम, इसे मेरा नाम कैसे पता चला? यही नाम है तुम्हारा? स्वाति गौतम, कैसे बातें कर रही हूँ? मैं तेरी माँ हूँ। तुम मेरी माँ नहीं हो। कुसुम देशमुख ऐसी हो ही नहीं सकती। मेरी पहले समझ में क्यों नहीं आया? मगर इस लड़की को तो सब कुछ पता चल गया है। अरुण दत्ती चाची ठीक ही कह रही थी, जानबूझ के तुमने पापा को बारिश में छोड़ा, जानबूझ के तुमने उन्हें ओवरडोज दिया। क्यों कुमुद? हाथ मत लगाओ तुम मुझे, पासपोर्ट देखा है मैंने तुम्हारा, छुटला सकती हो उसे तुम। और ये बात अब घर में सबको पता चलेगी, मैं बताऊंगी सबको। ये लड़की तो सारा का सारा खेल बिगाड़ दी। स्वाति, हेलो हेलो, नहीं हेलो हेलो, अपनी जगह से। कुमुद यहाँ आई, उसे सारी असलियत का पता चल गया है। वो जान गई है कि मेरा नाम स्वाति गौतम है, और मेरा पासपोर्ट पता नहीं कैसे लेकिन उस लड़की के हाथ लग गया है। Such a stupid girl. औकात में रहकर बात करो, समझी ना? और मैं जानती हूँ कितना खतरा है, और बाय द वे जितना खतरा तुम्हें है ना उतना ही खतरा मुझे भी है। इसे बकवास करना बंद करो और सोचो आगे करना क्या है। तुम्हें कुछ करने की कोई जरूरत नहीं, अब जो कुछ भी करना है वो मैं करूँगी। कौन तुम्हें संभालूंगी? तुम पहले वो काम करो जिसके लिए मैंने तुम्हें ऑफिस भेजा। यू अंडरस्टैंड? कुमुद ऑफिस से कपूर हाउस आने के लिए निकल चुकी है, लेकिन वो यहाँ नहीं पहुंचनी चाहिए। हो चुका। वाह, बिगड़े काम को बनाना तो कोई तुमसे सीखे। बस अब और बातें बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे पूरी उम्मीद है इस बात की कि तुमने अपना आखिरी काम पूरा किया होगा। अब बाल समेटो और वही कर रही हूँ। अब जल्दी करो, तुम्हारे पास टाइम नहीं। लाइफ में टाइम की तो बड़ी फाइट, किसी के पास टाइम ही टाइम है और काम नहीं, और हम जैसों के पास काम ही काम है और टाइम बिल्कुल नहीं। क्या कर रही हो स्वाति? इतनी मेहनत की है और ऐसे ही ये सब कुछ माही को दे दोगे? यही तो माही भूल जाती है कि मैं वो सीधी साधी स्टूपिड कुसुम देशमुख नहीं, स्वाति गौतम। और मैं अपने साथ ऐसी नाइंसाफी कभी नहीं।